हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी और अपने सपनों को पाने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कुछ बच्चे रह गए। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, काफ़ी चैनल है यूट्यूब पर, मैं ये नहीं बोलूँगा, मुझसे भी बेहतर चैनल आज उत्तराखंड में है। आप सभी को उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड के वॉलेस एग्ज़ाम के लिए जो कंटेंट चाहिए वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इस दौड़ में सभी एजुकेटर ये भूल रहे हैं, जो बच्चे सफल हो रहे हैं उनके साथ तो सभी लोग अपना श्रेय लेने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे असफल हो गए हैं, जो बच्चे एक दो नंबर से रुक गए हैं, तो उनका साथ कैसे दिया जाए, कैसे उन लोगों को दोबारा से मोटिवेट किया जाए अगले एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि देखिए, बहुत लंबा अंतराल होता है। देखिए, 2017 की भर्ती थी और इसकी लिखित परीक्षा का परिणाम आया 2021 में। अभी भी ये भर्ती फाइनल नहीं हुई है क्योंकि इसमें अभी फिजिकल होना है, तब जाके इसका अंतिम परिणाम आएगा। और जिन अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी उसमें, कुछ तो सफल हुए, वो सभी बधाई के पात्र हैं, लेकिन कुछ असफल रहे। तो आज मैं रैंडमली ऐसे मोबाइल चला रहा था और सडनली मेरे को एक मैसेज प्राप्त होता है व्हाट्सअप पे, और इस मैसेज ने कहीं ना कहीं अंदर तक मुझे झकझोर दिया। क्योंकि देखिए, हमेशा हम सब लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं। आज मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि कितने लोग मेरे को अप्रिसिएट करते हैं। कंटेंट से फ़ायदा हो ना हो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अप्रिसिएशन सबको चाहिए। ये कहने वाली बात होती है, हर किसी के अंदर स्वार्थ होता है। ये खाली कहने की बात होती है कि मैं फ्री आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी अपना समय भेजकर निस्वार्थ आपके लिए सेवा कर सकता है, ऐसा केवल दुनिया में बस मैं बोलूँगा दो लोग हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, माँ और बाप, जिसको कभी भी स्वार्थ नहीं होता अपने बच्चे के लिए, ओनली फॉर किड, जो उनके बच्चे हैं। ठीक है, अदर पीपल की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो इस मैसेज को जैसे मैंने देखा तो थोड़ा मैंने भी सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए, क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, बहुत से चैनल हैं जो पढ़ाई पे यहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं लेकिन इन चीज़ों पे कोई बात ही नहीं करता। तो यहाँ पर हमको आगे आना पड़ेगा ऐसे बच्चों के लिए, नहीं तो वो शिखर पर पहुँचने से पहले थोड़ी दूर एक कदम पीछे हैं बस, और फिर से नीचे फिसल जाएंगे और पहाड़ की तलहटी पर आ जाएंगे, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। तो ये मैसेज मेरे को मिलता है, देखिए व्हाट्सअप पे, इसमें हेलो सर, आई एम डैश डैश, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ पर नौकरी नहीं लग रही है। फॉरेस्ट गार्ड में उम्मीद थी, उसमें भी नंबर कम हो गए, पहले 62 नंबर आए थे और अब आयोग ने 58 नंबर कर दिए। अब कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है अपने पे, तो आपसे हेल्प चाहिए थी कि तैयारी करी जाए या आगे छोड़ दी जाए, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइडेंस मी। ऐसे ही कितने सारे मैसेज मुझे प्राप्त हुए दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं सिंपली बोलना चाहूँगा, बहुत दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता, इतने सालों की मेहनत एक नंबर आधे नंबर से जब रुक जाती है तो वो दर्द वही जान सकता है जो उसको फेस कर रहा है। लेकिन थोड़ा ऊपर हट के देखे दोस्तों, ये एक ग्रुप सी का एग्ज़ाम था, यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, एक जो हमारे यूपीएससी या पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर तो अभ्यर्थी आपसे दो गुनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए हो सकता है आपने 2 घंटे स्टडी की, 4 घंटे स्टडी की डेली, लेकिन आप देखिए 16-16 घंटे पढ़कर भी यूपीएससी और पीसीएस में बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए कितना बड़ा मोमेंट रहता होगा, कैसा बोल सकते हैं कि एक बहुत पेनफुल मोमेंट रहता होगा कि उन्होंने अपने लाइफ का लगभग 1 या 2 साल 16-16 घंटे खर्च किए ऐसे मुकाम के लिए जहां पर वो बिल्कुल ही फेल हो गए, धराशायी हो गए। तो क्या जीना छोड़ दिया जाए? तो क्या तैयारी छोड़ देना चाहिए? तो क्या आप उन लोगों में से हैं जो भाग जाते हैं युद्ध की ललकार सुनकर या युद्ध के नगाड़े सुनकर रास्ते से ही भाग जाते हैं? कई बार ऐसा होता है, हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती, तो आप सभी लोगों को ये समझना है दोस्तों। मैं यहाँ पे देखिए, मैंने वॉइस मैसेज भी किया इन महाशय को कि आपको अभी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि आप पीक पॉइंट में हैं, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, विनम्रता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर एक दो नंबर से आप रुके हैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पेपर में, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, ग्रुप सी के जो अन्य एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं 746 कनिष्ठ सहायक या वीडियो, उससे ज़्यादा स्तर नहीं होगा, होगा लेकिन उसमें बस 19-20 का अंतर रहेगा। तो इतने नज़दीक अगर वापस जाना, ये कहीं से भी कहीं तक समझदारी नहीं है। इस साल को तो कम से कम आपने देना है, जो भी लोग अभी फॉरेस्ट गार्ड में रह गए हैं, 21 का साल तो आप दीजिए, उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम होंगे जीत तोड़ मेहनत कर दो यार, एक साल लोगों को और सुन लो,
मुझे पता है काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लोग कमेंट करते हैं 4 साल से आप पढ़ रहे हो, 3 साल से पढ़ रहे हो, 5 साल से तैयारी कर रहे हो, बट आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, तो ये चीज़ें चुभती है। लेकिन पेरेंट्स अगर साथ में हैं तो इन चीज़ों को इग्नोर करें, और कभी कभी फैमिली भी अगेंस्ट हो जाती है, तो फैमिली को समझाइए, आप अपने माँ बाप को समझाइए। माँ बाप भी कई बार बोल लेते हैं आप 5 साल से बिस्तर तोड़ रहे हो, आप सिलेक्शन नहीं ला पा रहे हो, तो यहाँ पर अपने प्यार से माँ बाप को समझाइए, उनको बोलिए मैं इतनी दूर तक आया हूँ तो वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ तो वापस जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं सिलेक्शन लेने के लिए आया हूँ, कोई बात नहीं 5 साल मैंने खर्च किए हैं तो 6ठे साल में सिलेक्शन लूँगा, तो प्लीज़ आप मेरे पे बिलीव रखें। तो ऐसे अपने माँ बाप को आप लोग कन्वेंस करें, उनको दिलासा दिलाएं कि अगली बार आपका हो जाएगा। और बाकी जो आउट पीपल हैं या बोल सकते हैं आउट सोसाइटी है, उनको तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, अन्यथा इस वाली सिचुएशन में आप और ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि ये तैयारी वैयारी बेकार है, आपको कोई रैंडमली कॉल आएगा फ्रेंड का जो प्राइवेट जॉब कर रहा है बाहर पे और बोलेगा कि आजा मेरे साथ, छोड़ ये सब चीज़ें, तो आपका जो दूसरा माइंड है बोल सकते हैं वो माइंड जो कहीं ना कहीं डर चुका है अब आगे बढ़ने से, वो आपको बोलेगा हाँ ये बहुत अच्छा सहारा है और आप यहीं से वापसी कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, जीवन में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती दोस्तों कि आप क्या करते हैं और क्या आप प्राप्त करते हैं, सफलता हमेशा इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती है कि आप कैसे इंसान हैं, आपका व्यवहार कैसा है, चीज़ें आप क्या कर सकते हैं और आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, ये सबसे बड़ी बात होती है। जो इसको समझ लेता है ना वही मतलब आप समझ लीजिए कि ज़िंदगी में सफल है। नौकरी पाना कोई सफलता थोड़ी होती है, नौकरी पाना तो आपके जीवन का एक हिस्सा है जहाँ से आप कुछ अर्निंग करके अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जीवन में अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। देखिए कभी कभी एक दो नंबर से रुक जाने का मतलब ये साफ साफ होता है मित्रों कि आपके अंदर अनुशासन की कमी है, और अनुशासन अगर कम है आपके अंदर तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ही एक दो नंबर से रुकते रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप हमेशा अपने आप से उम्मीद करें, कभी दूसरे से उम्मीद मत करें, क्योंकि दूसरे से आप जितना उम्मीद करेंगे ना उससे ऊंचे पैमाने पर अगर आपने अपना मूल्यांकन कर दिया तो सफलता आपके हाथ में होगी। कभी भी बहाने मत बनाना पढ़ाई के लिए, हमेशा जो रूटीन बनाए। अनुशासन का मतलब क्या है, मुझे पढ़ने का मन नहीं है 9 से 10, मुझे मूवी देखने का मन करा, वेब सीरीज़ देखने का मन करा, लेकिन मेरा अनुशासन है मैं 9 से 10 हिंदी पढ़ता हूँ तो पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगे ना लगे, यही होता है अनुशासन। यानी कि कभी बहाना नहीं बनाना है, जो चीज़ पसंद नहीं है वो भी करना है, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। कभी भी खुद पर दया मत करना, खुद को कष्ट देना जब तक आप सफल ना हो जाएं, अपने प्रति कठोर रहें और पूरे संसार के प्रति दयालु रहें दोस्तों, यही सफलता का राज है, और हमेशा आप खुश रहेंगे। और ऐसे जितने भी लोग हैं उन सभी को बोलूँगा बिल्कुल भी पढ़ाई को स्किप ना करें, पीछे वापस ना जाएं, एक दो नंबर से जो रुके हैं कॉन्फिडेंस रखें, अगले एग्ज़ाम में आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा, ये मेरे आपसे वादा है, ये गारंटी है, और ये मेरी ब्लेसिंग है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है, एक वास्तविक शिक्षक वो है जो आपको स्टडी के साथ साथ इतना मोटिवेट करे, इतना एनर्जेटिक करे कि कोई भी एग्ज़ाम आपको बहुत छोटा दिखाई दे, भले आप उसमें सफल होते हैं असफल होते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप उसमें जाने से बिल्कुल भी नहीं घबराएं और अपना पूरा पोटेंशियल लेके वहाँ जा रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप असफल होंगे, हमेशा आप सफलता के साथ ही वहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो बिल्कुल लास्ट में आपको अपनी कुछ पंक्तियों के साथ मैं यहाँ पर छोड़ूंगा, तो हो सकता है आपके अंदर कुछ एनर्जी यहाँ पर विकसित हो जाए और कुछ आपके अंदर मोटिवेशन हो और अच्छे से फिर से आप अपना फोकस बना पाएं। तो दोस्तों पंक्तियाँ हैं, गर डर गया जो काफिलों से चलेगा कैसे, हाथ जकड़े बेड़ियों में तो तरेगा कैसे। हर एक पंक्ति का सार समझना आप, ठीक है, अगर अर्थ समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप बहुत आगे जा चुके हैं जीवन में अपने, और नहीं समझ में आया तो जिस दिन सफल होंगे उस दिन समझ में आ जाएगा। छोड़ इस ज़माने को, तोड़ इन फसानों को, ये नहीं बना दबंग तो लगेगा कैसे। ये लाइन उन लोगों के लिए जो समाज के तानों को अपने ऊपर बहुत सीरियसली ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाया खुद के हौसलों को आसमां पे हमेशा, वो पंख अब तो खोल दे उड़ेगा कैसे। सेल्फ मोटिवेशन की बात हो रही है, खुद को झांक आगे ताक तेज भाग, अरे बंद मुट्ठी कब तलक खुलेगा कैसे। यानी कि मैंने क्या बोला, खुद को झांकने का मतलब है अनुशासन, अनुशासन आगे ताकने का मतलब है केवल सफलता दिखनी चाहिए आपको, वो लोग नहीं दिखने चाहिए आपको जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं या जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो आप पे कमेंट कर रहे हैं। और तेज भाग, समय के साथ चलना है, समय अगर वेस्ट करते हैं तो समझ लीजिए आपने अपने जीवन को ही वेस्ट कर दिया है, समय का तो बिल्कुल आपने सदुपयोग करना है। रस्ते कितने खुशनुमा आहटें पुकारती, छोड़ सबको अपने हाल पे दौड़ेगा कैसे।
सफलता के लिए जब हम आगे बढ़ते ना, तो ये नहीं देखना है किसकी शादी है, फ्रेंड लोग पार्टी कहाँ कर रहे हैं, घर पे कौन सा फंक्शन है, मेरा जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वहाँ घूमने नहीं गया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो छोड़ सबको अपने हाल पे, दौड़ेगा कैसे, तुझसे ही है कारवा, मंजिलें भी सदृश्य हैं, सोच पथ में इतने इंद्रधनुष, भरेगा कैसे। लाइफ एक बार मिलती है, उस लाइफ में अगर हम सफल नहीं हो पाए सच्ची मेहनत करके, अच्छी मेहनत करके, लाइफ वेस्ट है। कौन आपको जानता है, कौन आपको जानेगा। मान सम्मान पैसा ये सभी चीज़ अगर चाहिए तो आज सरकारी नौकरी सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक पहलू है किसी भी इंसान की लाइफ का। एक ही तो जिंदगी, जी ले इसको निरपसी, बन के तू किंकर धैर्यम, मरेगा कैसे। यानी कि जिंदगी एक बार मिलती है दोस्तों, इसको राजा की तरह जीना है। अगर दास बनकर जियोगे तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, और खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे तो उससे बोल सकते कि बेकार जिंदगी कुछ है नहीं। तो इसका सिंपल सा फंडा है अनुशासन, जैसे एक मूवी में भी बोला गया है, ठीक है। तो प्रतिष्ठा परंपरा अनुशासन उसमें बोला जाता है, गुरुकुल मूवी थी कोई अमिताभ बच्चन की मुझे याद आ रहा है। तो वही चीज़ लाइफ में भी लाना पड़ता है दोस्तों। लाइफ में दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अनुशासन और वर्क हार्ड और थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना आज की डेट में, और सबसे मेन थिंग होती है अपने आप पर कॉन्फिडेंस और सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ एनर्जी, ठीक है। लोगों की बातों से बिल्कुल नहीं घबराना है। जिस दिन ये सभी चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों, सफल हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, नज़रिया होता है आपका कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। अगर आप चीज़ों को गलत तरीके से देखते हैं तो सब चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर आप चीज़ों को अपने उस नज़र से देखते हैं जहाँ पर आपने खुद को ढाल लिया है सफल होने के पर्पज़ से, तो सभी चीज़ें पॉसिबल लगती हैं। इसी आशा के साथ दोस्तों मिलूंगा जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपके लिए मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, फिर से बोलूँगा, परीक्षा वाली और हिंदी का मैं आपको ज़बरदस्त एक ऐसा पैकेज दूंगा एग्ज़ाम से पहले कि आप लोगों का देखना, उसमें कम से कम आपका 50% सिलेबस या 50% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ऐसा ना समझे दोस्तों कि मैं आजकल आपको वीडियो नहीं दे रहा हूँ यूट्यूब पर वीडियो नहीं दे पा रहा, लेकिन डेली मैं आपको अपनी वेबसाइट पर दो दो टेस्ट सीरीज देता हूँ, कभी हिंदी की, कभी उत्तराखंड जीके की, कभी करंट अफेयर्स की। तो निरंतर, क्योंकि मैं ट्रैवल में रहता हूँ तो ट्रैवल में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, समय का सदुपयोग करते हुए आपके लिए जो नई वेबसाइट हमने बनाई है himavantuk.com, वहाँ पर लगातार टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। तो एक भी दिन मिस ना करें, टेस्ट सीरीज को जरूर अटैम्प करें। यूट्यूब पर जितना हमारा पहले का कंटेंट उसको देखें, जल्दी ही आपके लिए जो रिवीजन बोल सकते हैं हमारा 746 और 854 पोस्ट वाला जो रिवीजन सीरीज है, या उसको हम बोल सकते हैं एक नया नाम मैंने दिया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब आप देखोगे, तो वो जल्दी ही सीरीज शुरू होगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, और जितने भी मेरे दोस्त मेरे मित्र ऐसे रहे हैं आधे एक नंबर से, उन सभी के लिए वीडियो डेडिकेट था, और जो लोग सफल हो चुके हैं उन लोगों के लिए भी, आगे की जो बड़ी पोस्ट होगी वहाँ पर उन लोगों को भी कभी ना कभी असफलता का सामना करना पड़ेगा, और उस दिन उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी पहली सफलता को याद करते हुए अगली सफलता के लिए हार्डवर्क और डेडिकेशन लाना, और अपने से नीचे वाले नए बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करना उन लोगों का फर्ज है, जिम्मेदारी है। तो सफल लोग जितने भी हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड में, वो लोगों को ये कहकर ना डराएं कि बहुत टाइम लगता है, उत्तराखंड में बहुत कठिन है पेपर निकालना। हमेशा अपने नए जो दोस्त हैं जो नई तैयारी कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें कि सब चीज़ पॉसिबल है, हालांकि समय ज़्यादा लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी चीज़ें क्लियर करें, कभी भी भ्रम में ना डालें, यही आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।